हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट ऑर्गन है मानव श्वसन तंत्र का वायु मुखिका। अब देखिए बेटा, जो फेफड़े होते हैं उनमें प्रत्येक फेफड़े के अंदर श्वास नली की जो श्वसनिका आती है वो प्रवेश करती है और फेफड़ों में जाकर के अन्य श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। फिर ये श्वसनिकाओं से जो वायु कूपिका वाहिनी में उप विभाजित हो जाती है, वायु कूपिका वाहिनी है ये वायु कूपिकाओं में क्या होती है, खुलती है। अब देखिए बेटा, जो वायु कूपिका होती है ये अत्यंत बहुत सूक्ष्म प्याले के समान संरचना होती है। इनका व्यास लगभग 0.2 mm का होता है। इनके भित्ति के ऊपर रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। और वायु कूपिका में यानी कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये वायु कूपिका में जाकर के क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। और इन वायु कूपिकाओं के ऊपर श्वसन झिल्ली पाई जाती है और इस श्वसन झिल्ली के द्वारा जो ऑक्सीजन यहाँ पर स्टोर हुई थी ये ऑक्सीजन कहाँ पर चल जाती है, रुधिर के अंदर गमन कर जाती है। तो इस तरीके से देखिए, वायु कूपिका अत्यंत सूक्ष्म प्याले के समान संरचना है। इनका व्यास लगभग 0.2 mm होता है। इनकी भित्ति में रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। वायु कूपिका द्वारा गैसीय विनिमय के लिए अत्यंत महीन, लगभग कितने व्यास का इसका, 0.2 micrometer व्यास है इनका, श्वसन झिल्ली पाई जाती है जिसके द्वारा रुधिर में गैसों का विनिमय होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो श्वसनिका होती है ये श्वसनिका, इसके अलावा वायु कूपिका वाहिनी और वायु कूपिका, ये तीनों आपस में मिलकर के एक श्वसन इकाई का क्या कर रही है, काम कर रही है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो गैस होती है इनका क्या होता है, विनिमय होता है। तो गैसों के विनिमय के लिए जो श्वसन इकाई पाई जा रही है वो किस किस से मिलकर के बनी है, श्वसनिकाओं से, वायु कूपिका वाहिनी से और वायु कूपिका से। अब फेफड़े होते हैं ये हृदय के पास में स्थित होते हैं और हमारी पसलियां भी वक्षगुहा में स्थित होती है। तो पसलियां आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती है, परशु का पिंजर का। किसका निर्माण करती है, परशु का पिंजर का। तो हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करने का काम कौन करता है, परशु का पिंजर। इनको चारों तरफ से घेरे रहता है और इनकी सुरक्षा करने का क्या करता है, काम करता है। तो परशु का पिंजर फेफड़ों को घेरे रहता है तथा इन्हें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से मानव श्वसन तंत्र में जो अंग भाग लेते हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने अध्ययन किया है। इसके अलावा जो श्वसन तंत्र का जो डायग्राम है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।